हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2018 मॉडल एक्सेंट, जो कि 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ आता है ना। अगर इसमें हम बात कर लें पेट्रोल में, इसमें आते थे 7 वेरिएंट, 2 ऑटोमेटिक में आते थे और बाकी जो आता था ई मॉडल आता था, एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल। और डीजल में इसमें 4 मॉडल आते थे, वही ECRDI, SCRDI, SX CRDI और SX ऑप्शनल CRDI। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे सिंपल हेलोजन रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा आपको हेलोजन, और यहाँ पे आप नीचे में जाएंगे तो आपको यहाँ फॉग लैम्प के साथ आपको यहाँ DRL मिल जाता है ऐसे। और यहाँ पे इसकी ग्रिल सिंगल ग्रिल के साथ आता है जिसमें क्रोम लाइनिंग आपको दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ पे आपको 14 इंच के अलॉयस मिल जाएंगे जो कि अपोलो के टायर्स आते हैं इसमें। अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम डोल हैंडल्स नहीं मिलते हैं, बॉडी कलर मिलते हैं, ये आफ्टर मार्केट है। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर कुछ नहीं आता है। अगर मैं की बात करूँ, सिंपल फ्लिप की है, ये आप देख सकते हैं। ये लॉक दिखा दूँ मैं आपको, ये लॉक, ये अनलॉक, ये होल्ड करके रखेंगे तो आपको बूट अनलॉक हो जाएगा। इसमें जैसे कि आप मतलब लॉक करेंगे तो आपका ये बीप नहीं करेगा और ये फोल्ड भी नहीं होगा। अगर हम इसके इंजन स्पेक्स की बात कर लें, यहाँ पे इसका इंजन ओपनर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 1.2 लीटर कापा इंजन। यहाँ पे उसकी बैजिंग भी दी हुई है, युंडाई देख सकते हैं। ये इसका एक 1297 सीसी का इंजन जो कि 81 BHP निकालता है, 113 Nm का टॉर्क। अगर हम इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सीट अपने हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लंबर सपोर्ट और यहाँ आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अंदर बैठेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ से आप केवल ये टिल्ट होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होगा। और यहाँ पे आप गियर में देखेंगे तो ये ग्लास फिनिश में गियर नॉब आता है जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप IRVM देखेंगे तो ये मैनुअल आता है ना। और यहाँ पे डोर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ORVM फोल्ड करने का, जैसे आप देख सकते हैं ये फोल्ड हो रहा है। और यहाँ पे आपको ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, लॉक अनलॉक, ये चाइल्ड लॉक का बटन जिसको आप दबाएंगे तो आपके पीछे के शीशे नहीं खुलेंगे। यहाँ पे ऑटो डाउन का फीचर ऑटो अप नहीं है, 4 पावर विंडो, यहाँ पे एक कॉइन रखने के स्पेस दिया है। और यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ये हैंड ब्रेक। फिर यहाँ पे आपको 7 इंच के स्क्रीन मिल जाएगा। यहाँ पे AC वेंट जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए आपको SX ऑप्शन में जाना पड़ेगा है ना। और यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल जिसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें है ना। अगर हम इसके MID की बात करें तो हम देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं MID चालू कर दिए। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे ट्रिप रीसेट, 2 ट्रिप आते हैं इसमें, यहाँ ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ पे आपको गाड़ी कितनी चल रही है वो सब दिखा रहा है। ये गाड़ी अब 9324 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे आपको 8000 तक मार्किंग मिल जाती है क्योंकि पेट्रोल है। यहाँ 200 तक मार्किंग मिल जाता है, टॉप स्पीड, यहाँ पे फ्यूल का, यहाँ पे इंजन कितना गर्म है क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। यहाँ पे AC विंड है जिसके चारों ओर क्रोम फिनिश दिया गया है, मतलब सिल्वर फिनिश है। और यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाता है। और यहाँ पीछे भी रीडिंग लैंप, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको केवल टिकट होल्डर दिया गया है। हम यहाँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात कर ले तो भाई सेम जो मेरा i20 में आता है वही इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ना। यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं आपको, इसमें आर्किमिस का सेट तक स्पीकर्स मिल जाता है। मैं देख चेक कर लूँ एक बार, स्पीकर्स का तो इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है गाइस, बाकी इसमें आपको सब चीज़ मिल जाता है, फीचर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, मिरर लिंक, सब चीज़ मिल जाता है इसमें है ना। यहाँ पे सेटअप वेटअप सब का ऑप्शन, ये हज़ार्ड लैंप है यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, चार्जिंग केबल, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है ना। और हम ग्लव बॉक्स की बात कर लें तो ये आपको कूल्ड मिलेगा ग्लव बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना।
और अगर हम इसके रियर स्पेस की बात कर रहे हैं, सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो यहाँ हम पीछे आ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कितना स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिया है सामान रखने के लिए, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया फील आता है इसमें, हार्ड है ये। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं दोनों, ये दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये बीच में नहीं है। और आगे में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये थोड़ा ख़राब फीचर है ना। और हमें जैसे इसका बूट खोलना है तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आपको फ्यूल खोलने का ऑप्शन है, यहाँ पे बूट खोलने का। अगर हम बूट खोलना है तो ये जैसे चाबी है, तो चाबी हम होल्ड करके रखेंगे तो अपने आप उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे होल्ड करके रखेंगे तो उड़ जाएगा, देखना ये उड़ गया। यहाँ पे आपको 407 लीटर का मिल जाता है आपको बूट स्पेस। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे डिफॉगर भी मिल जाता है। और उसके टेल लैंप की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलईडी टाइप का दिया है, लेकिन एलईडी नहीं है, यहाँ सिंपल बल्ब है, बाकी दूर से ही आपको एलईडी टाइप का लगता है। यहाँ पे नॉर्मल आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ह्यूंडई का लोगो, हाई स्टॉप लैंप, यहाँ पे एसएक्स की बैजिंग आ जाती है, यहाँ पे एक्सेंट की बैजिंग आ जाती है। और यहाँ पे आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाता है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स के साथ 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1, 2 और 3, 4। और यहाँ पे आप साइड लुक की बात करें तो इसके साइड लुक आप देख सकते हैं, वो स्पेयर व्हील पे मत जाना है ना, ये इसका फ्रंट लुक है। अगर आपको और मैं आपको इसको इंजन नॉइस सुना दूं है ना, तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंट इंजन है, ये बिल्कुल साइलेंट इंजन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।